हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ पिंडी छोले और भटूरे की रेसिपी। तो जो छोले हैं ये मैंने बिना मिक्सर ग्राइंडर यूज़ किए हो या मसाला बनाए हुए यूज़ किया है, और भटूरे का आटा इंस्टेंट कैसे लगाते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी के साथ। तो रात भर मैंने यहाँ छोले भिगो कर रख दिए हैं। सुबह मैं इसमें गरम मसाला और नमक डाल के उबाल लाऊंगी। तो जो खड़े मसाले होते हैं वही मैंने यहाँ ऐड किया, लौंग, इलायची, काली मिर्च और ये सब डाल के इसको मैं 6 से 7 सीटी लगवा दूँगी कुकर में। और अब मैं लगा रही हूँ भटूरे का आटा। तो देखिए इसमें मैंने ऐड किया मैदा, सूजी, नमक, शक्कर और मीठा सोडा, खाने का मीठा सोडा ऐड किया है, अच्छे से मिक्स किया है। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ उसमें तेल और अच्छे से मोयन देके मैं इसका आटा लगा दूंगी। और अब इसमें थोड़ा सा तेल लगा के साइड में इसे थोड़ा फर्मेंट होने के लिए हम लोग छोड़ देंगे। फिर मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ पिंडी छोले की रेसिपी के लिए। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा जीरा और सौंफ को रोस्ट करके इसका पाउडर बना लिया है हल्के से। और अभी मैं तड़का लगा रही हूँ और इसमें मैंने, आप बटर या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ बटर यूज़ कर रही हूँ। आप तेल और घी में भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने तेज़पत्ता डाला है, फ्रेशली का जिंजर गार्लिक यूज़ किया है, ग्रीन चिली चॉप्ड की हुई डाली है। और अभी मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए डाले हैं और इसे मैं 2-3 मिनट तक अच्छे से सौटे करूँगी। उसके बाद मैं जो हम लोगों ने रोस्ट किया था जीरा और सौंफ उसका जो क्रश किया है उसको ऐड कर दिया है यहाँ पे, और इसे 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। फिर मैंने यहाँ पे ग्रेटेड टमाटो डाला है, मैंने मिक्सी में नहीं इसे ये किया है, मैंने इसे ग्रेट कर लिया था। और अब मैंने इसमें 2-3 मिनट इसे भूना है। उसके बाद इसमें पाउडर्स ऐड कर रही हूँ, हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर, नमक और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। और इसे अच्छे से हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से भून लेंगे मसाले को। तो देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे हमारे बॉयल्ड हुए हुए चने। आप चाहे तो गरम मसाले के जो है बॉयल करते वक्त डाले थे उसे आप निकाल सकते हैं। और अब मैं इसमें सारा बॉयल किया हुआ छोले ऐड करूँगी और इसे अच्छे से 5 से 7 मिनट तक मसाले में अच्छे से भून लूँगी इसे, ताकि पूरा मसाला जो है छोले में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। इसका पानी मैंने फेंका नहीं है जो हम लोगों ने यूज़ किया था बॉईल होने के लिए। इसे मैं थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए मुझे, तो इसके लिए मैं ऐड करूँगी जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए, क्योंकि इसमें सारे गरम मसाले के और बॉइल्ड चने का फ्लेवर है, तो मैं उसी को यूज़ करूँगी रेदर दैन द नॉर्मल वाटर। ये देखिए हमारे छोले को मैंने 5 मिनट तक अच्छे से पकाया है और जो हमारा पिंडी छोला है वो तैयार हो गया है गर्मा गर्म सर्व करने के लिए। तो सर्व कैसे करेंगे, तो चलिए बनाते हैं इंस्टेंट का जो आटा भटूरे का हम लोगों ने लगा लिया था उससे। तो देखिए इस तरीके से ये फूल गया है अच्छे से। तो मैंने एक तरफ गरम करने रख दिया है तेल। तो अगर आपके भटूरे का आटा अच्छे से लगा हो तो आपको ना तेल की यूज़ पड़ता है या ना आटे का यूज़ करना पड़ता है बेलते वक्त उसे। और ये देखिए इस तरीके से अच्छे से फूल गया है हमारे भटूरे। तो चलिए इसका प्लेटिंग करते हैं छोले भटूरे की। तो इस तरीके से इतना अच्छे से फूल गया है हमारा भटूरा, तो प्लेटिंग करते हैं इसकी। तो आप इसे सर्व कीजिए प्याज नींबू के साथ। और होप आपको मेरी जो रेसिपी है वो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।